चलिए, तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर्स डिस्कस करा था। तो आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने करने, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा 10 ईयर के अंदर, वो आपका होमवर्क होगा। तो उसका सॉल्यूशन करके आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। याद रहे, आपका कॉमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए फ्यूल का किरदार अदा करता है। तो 2019 का एक क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ऑफ 2μF एंड 4μF आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू अ 40 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपको याद होगा मैंने आपको कल बताया था कि सीरीज में कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों का चार्ज और करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन्होंने बोले कैलकुलेट द चार्ज मालूम करें अक्रॉस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर मतलब V1 भी मालूम करना है और V2 भी मालूम करना है। तो दो कैपेसिटर से 2μF C1 C2 का नाम दे दिया एंड थ्रू अ 40 वोल्ट बैटरी, ठीक है, और चार्ज मालूम करना है और V1 और V2 मालूम करना है। ये टोटल है, ये टोटल हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें V1 और V2 भी मालूम करना है। एक बेसिक फार्मूला पढ़ाया था, Q इज इक्वल्स टू CV, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो बेसिक फार्मूला था उसको पहले लिख के उसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, ठीक है। क्योंकि हमें पता चल जाता है कि यार हमें इसमें क्यू दिया हुआ है, क्यू भी मालूम करना है, CV मतलब ये तीन चीज़ें हैं। अब जब फर्स्ट कैपेसिटर की बात आएगी तो Q1 C1 V1, सेकंड की आएगी तो Q2 C2 V2। तो अब ये देखें, हमें क्योंकि चार्ज सेम रहता है तो चार्ज को Q1 और Q2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो Q तो ऐसे ही रहेगा, C1 और V1। अब C1 दिया हुआ है, V1 नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब पहले C1 और C2 से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 का फार्मूला लगाएंगे और इससे हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। कहाँ आई, ये आ गई, ठीक है। अब फॉर्मूले से Q = CV, हमने क्यू भी निकाल लिया क्योंकि हमें V पहले दिया हुआ था, ये दिया हुआ, और हमने C अभी निकाल लिया, तो Q = CV से हमारे पास Q आ गया। अब याद रहे चार्ज सेम रहता है दोनों कैपेसिटर्स के लिए सीरीज़ में और रेजिस्टर्स के लिए भी, क्योंकि अभी हम यहाँ कैपेसिटर्स की बात करें तो सिर्फ कैपेसिटर की बात करें, और पैरेलल में चार्ज से चेंज होता है और सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो ये बात भी अभी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी, V1 और V2 निकालेंगे दोनों अलग अलग आएंगे, अगर पैरेलल होता तो दोनों का सेम ही आता, ठीक है। तो V1 Q = CV, अब मैंने आपको बताया था क्यू के आगे Q1 लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, तो V1 का फॉर्मूला क्या बना, Q/C1, और V1 इस तरह हमारे पास आ गया। बिल्कुल उसी तरह Q = CV, Q = C2 V2, V2 = Q/C2 और V2 आ गया। तो आगे चलते हैं, अब एक और हमारे पास सवाल है, ये है 2008 का, ठीक है। टू कैपेसिटर्स ऑफ 2μF एंड 8μF कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट इज अप्लाइड, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटी। बिल्कुल सेम सवाल है, C1 C2 V दिया हुआ है, पहले C1 और C2 से इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी, कैपेसिटेंस आ जाएगी, आ गई, Q = CV का फॉर्मूला लगा, इससे हमारे पास चार्ज आ गया। उसके बाद V1 का फॉर्मूला लगाया, Q = C1 V1, उसके बाद फिर V1 = 320/2, और फिर जो है V1 हमारे पास आ गया। बिल्कुल उसी तरह Q = C2 V2 का फॉर्मूला लगाएंगे और V2 आ जाएगा। अब एक सवाल है 12.22, ठीक है, 12.22 बिल्कुल इसी के जैसा एक सवाल है, 2010 में आया हुआ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, 2014 में आया हुआ है, तो पहले मैं आपको आपके सामने वो रखता हूँ, पहले मैं आपको वो समझाऊँगा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो 2014 में हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 के,
चलिए ये मैंने हाईलाइट किया हुआ। अ 10 म्यू एफ कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। इट इज देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर एंड इट इज फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 100 वोल्ट्स। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर ऑफ सेकंड कैपेसिटर। इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अ 10 म्यू एफ, ये 10 है, कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट्स। पहले एक कैपेसिटर जो है 220 वोल्ट्स पे चार्ज हुआ और उसके बाद फिर उसको डिसकनेक्ट कर दिया बैटरी से। तो पहले इस यहाँ से यहाँ तक का हम चार्ज ले लेंगे डिसकनेक्ट होने से पहले 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 कैपेसिटर का। इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर एंड इट इज़ फाउंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस फॉल्स टू 100 वोल्ट्स। अब बोल रहे हैं कि उसकी जो प्लेट्स हैं वो डिसकनेक्ट कर दी और उसको एक और कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर। इसका याद रखना फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम लोग मालूम करेंगे चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर कनेक्टिंग। पहले कैपेसिटर को डिसकनेक्ट करने के बाद दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करने से पहले पहले तक का चार्ज निकालेंगे। तो वो क्या आएगा, हमारे पास C1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, तो Q इज इक्वल टू C1 V1। ठीक है, ये बात क्लियर है। पहले C1 और V1 से Q आ जाएगा। अब चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V2। ये क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पहले 200 दिया था और उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद 100 दे दिया था। तो अभी हमने C1 क्यों लिया, हम V1 लेते। C1 हमने इसलिए लिया, हम V2 हमने C2 तो मालूम करना है ना, हमने C1 इसलिए लिया क्योंकि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, पहले हम फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों चार्जेस निकालेंगे और उनमें से बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे। ये याद रखना, ये चीज़ ये थ्योरी में बहुत थॉरली डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट कैपेसिटर की बिफोर कनेक्टिंग की चार्ज निकालेंगे, उसके बाद फिर आफ्टर कनेक्टिंग की चार्ज निकालेंगे, उसके बाद फिर बड़े चार्ज में से छोटे चार्ज को माइनस कर देंगे। जो चार्ज बचेगा उसको हम C2 के फॉर्मूले में रखेंगे और C2 निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये इसको आपने याद रख लें कि क्यू बड़े चार्ज को छोटे चार्ज में से माइनस करेंगे जो फर्स्ट कैपेसिटर के है। फर्स्ट कैपेसिटर के याद रहे दो चार्ज निकलेंगे, एक बिफोर कनेक्टिंग एक आफ्टर कनेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 निकाल लिया, इसको हमने Q1 डैश का नाम दे दिया। अब देखें चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, क्योंकि याद रहे पैरेलल के अंदर चार्ज चेंज हो जाता है, सीरीज होती ना तो हम चार्ज एक ही लेते हैं क्योंकि पैरेलल में चार्ज चेंज होता है। इसलिए यहाँ पे देखें पैरेलल का नाम आया था, पैरेलल की डिस्कशन हुई थी, ये क्या लिखा हुआ है एंड कनेक्टेड इन पैरेलल, ये लिखा हुआ है, तो इसलिए याद रखना है। ठीक है, अब आ जाएं Q2 आ गया, हम आपके पास V2 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2, C2 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल अभी मैं आपको कराता हूँ सॉल्यूशन इसका। A capacitor of 200 mu f mu p mu is charged to potential difference of 100 volts. ठीक है, डेटा बनाते हैं सबसे पहले। ओहो, कैपेसिटर C1 इज चार्ज्ड टू पोटेंशियल डिफरेंस V1
its plates are then connected in parallel. अभी इससे आ जाएगा आपका Q1 and found that potential difference between plates falls to 60 volts. V2 is equal to 60 volts. अब आप देखें इन्होंने ये नहीं बोला कि कैपेसिटर चेंज हो गया, इन्होंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, कैपेसिटर चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। अगर वो कैपेसिटर चेंज होने की बात करें तो फिर इस तरीके की न्यूमेरिकल नहीं होंगे, ठीक है। अब इन दोनों से Q1 डैश आएगा, इन दोनों से C1 V1 से Q1 आएगा, C1 और V2 से Q1 डैश आएगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q1 इज इक्वल टू 20,000 न्यू पी आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका Q1, Q1 डैश क्या आएगा, C1 V2 इज इक्वल्स टू 12,000, ठीक है। अब Q2 कैसा आएगा, अभी आप लिख दें कि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर बिफोर कनेक्टिंग आफ्टर कनेक्टिंग और चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 डैश, तो Q2 कितना आ गया 8,000 पीमियो, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी वी, Q2 इज इक्वल टू सी टू वी टू, तो C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2 इज इक्वल टू 2000 इसका ये क्वेश्चन है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली आप हमें रिस्पॉन्स दीजिएगा। और मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ कि जस्ट वेट अ मिनट, ये दो सवाल हैं 2014 में आया हुआ है, और बल्कि ये वाला भी हमने करा है, और ये वाला आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। आप ये देख लें, सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, दिस वन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 28, इसमें चार पाँच चीज़ें निकाली हैं, ठीक है। तो ये अब आप देखिएगा, आप उम्मीद है कि आप होमवर्क कर लेंगे, अगर कर लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जैसा कर